वापस एक बार मैंने मंगवाया ये OnePlus का 9RT और गाइस कुछ ज्यादा ही लंबा बॉक्स से दो दो फोन तो नहीं ले लिया गलती से मैंने, मेरे लिए एक, तेरे औकात नहीं है भाई। OnePlus की एक बढ़िया चीज मुझे ये लग रही है, यहाँ पे इन लोगों ने इंडियन मेथड फ्रेंडली किया है शायद इसको। पूरा लाल लाल बक्सा अपने को देखने मिलता है यहाँ पे। ये इनका सिम इजेक्टर टूल है, लग रहा है ये हंसता हुआ चेहरा एक सीधा देखने मिलता है अपने को। अपना फोन भाई, फोन का फिनिश अलग ही लग रहा है पीछे से मुझे तो, लाइक थोड़ा थोड़ा ऐसा चमक भी रहा है, कुछ ज्यादा स्मूथ फील है इसका भाई, सीरियसली कुछ ज्यादा ही बढ़िया फील लग रहा है ये पीछे से मुझे। एक अच्छी खासी केस दी है, अंदर से थोड़ा अलग सा ग्रिपी टाइप का मटेरियल है, देन रेड कलर का टाइप सी केबल एंड 65 वाट का चार्जर। इस वाले फोन में बैटरी है 4500 mAh, बट इन लोगों ने क्लेम किया कि 100% तक 29 मिनट्स में चार्ज हो सकता है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली उतने में नहीं हो पाएगा मे बी, बट काफी तेज तो डेफिनेटली हो जाएगा। नीचे से अपने को पहले देखने मिलता है सिम कार्ड स्लॉट, देन माइक, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट एंड स्पीकर्स। ये गाइस सिंगल सिम स्मार्टफोन नहीं, ये ड्यूअल सिम स्मार्टफोन है, क्योंकि इसके पीछे से हम लोग दूसरा सिम डालते हैं। लेफ्ट साइड से देखने मिलेंगे वॉल्यूम बटन्स, काफी ज्यादा अच्छे ये भी। राइट साइड से देखने मिलेगा अपने को पावर बटन, देन उसके ऊपर ना एक, यहाँ पे राइट साइड में एक बटन है जो ऐसे तीन मोड्स में आ सकता है। सबसे नीचे ये रिंग वाले मोड में होता है, देन वाइब्रेट एंड देन लास्ट में साइलेंट, देन वापस से रिंग। पर ये काफी बढ़िया चीज है क्योंकि मेरा फोन मोस्टली वाइब्रेट या साइलेंट में होता है। आई गेस बहुत लोग का वैसे होता है, आप कमेंट करके बताओ मुझे कि आपका फोन किस में होता है साइलेंट। भाई बोलने दे, आप बताओ यार नीचे कमेंट में साइलेंट, वाइब्रेट या रिंग, कौन से इसमें रखते हो आप। गाइस ऊपर से देखा मैंने फोन तो ये पूरा फ्लैट क्यों पता नहीं, एंड ऊपर से आई गेस ये एक माइक है एक्स्ट्रा। ये वाला फोन मुझे लगता है उल्टा ऐसे खड़े हो सकता है। हो गया गाइस, वो भाई मुझे लगता है ना OnePlus वालों ने हमारी लास्ट वाली वीडियोस देखी है, तो इन लोगों ने इसलिए ऐसा डिजाइन बनाया, थैंक यू OnePlus। इस वाले फोन के अंदर गाइस आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा तेज है ये वाला। गाइस अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया दिख रहा है डिस्प्ले, डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट भी है, इवन ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है AMOLED डिस्प्ले, इसलिए डेफिनेटली कलर्स तो इसके बेटर ही दिखते हैं। और जो डिस्प्ले है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का, तो भी वो भी अच्छी बात है एकदम से ही। ये देख विकास, यहाँ पर देख क्या है, ये एक उल्लू है दूसरे उल्लू को घूरते हुए जा रहा हूँ मैं। अभी मैं स्पीकर सुन रहा हूँ और मुझे पता चला है कि इसमें भी ड्यूअल स्पीकर है। ये जो ऊपर का ईयर पीस है ना वो भी एज अ स्पीकर काम करता है, बट इतना ज़्यादा लाउड नहीं है ऊपर वाला, काफ़ी क्लियर है स्पीकर। इसका जो डिस्प्ले वो है 120Hz वाला विथ 300Hz का सैम्पलिंग रेट, भाई कुछ ज़्यादा ही सुपर स्मूथ बना देता है और सुपर रिस्पॉन्सिव इसको। सीरियसली यार हर्ट्स जितने ज्यादा है ना भाई लाइफ बढ़े, ठीक है जितने हर्ट्स दे सकते हो दे दो भाई, मैं ले लूंगा सारे हर्ट्स ले लूंगा भाई। गाइस हार्डवेयर की बात करें तो इस वाले फोन में है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, इसका मतलब ये फोन भी 5G वाला फोन है डेफिनेटली, एंड ये वाला वर्जन स्पेसिफिकली 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला है मेरे पास, एंड इसमें यार स्टोरेज भी UFS 3.1 है। हाँ भाई ठीक है ठीक है, बड़बड़ बहुत करते आजकल के फोन भाई, बात ही नहीं करने देते, इतने स्मार्ट हो गए भाई, बस ना स्मार्ट हो गए फोन इतने ज्यादा कि भाई इंसान को बोलने नहीं देते, साइलेंट कर दिया इसको सीधा मैंने। इसमें स्टोरेज भी UFS 3.1 का है, वो भी अच्छी बात है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आता है ऑक्सीजन OS 11 बॉक्स से निकालते ही, जो कि एंड्रॉइड 11 पे अभी तो। ये लोग 1 को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें 21 टाइम दिखा रहा है तो 1 रेड कर दिया, वाह भाई। इस वाले फोन में आता है गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि यार मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे काफी पसंद आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तुरंत दिख जाता है अपने को कि भाई टाइम क्या है, क्या नोटिफिकेशन आए, फोन चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस कैमरा की बात हम लोग जब करते हैं तो जो मेन सेंसर है वो है सोनी का IMX766 वाला,
50 मेगापिक्सल का सेंसर जो कि आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ एंड EIS के साथ भी, तो भाई। और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, साथ में मैक्रो लेंस आता है 2 मेगापिक्सल का। और जो फ्रंट कैमरा है अपना वो भी सोनी का सेंसर है IMX471 16 मेगापिक्सल का, EIS के साथ आता है ये। अपने सुपर सेंट दोनों भी सुपर सेंट रेडी है। टूट गया शायद कुछ, ये रुको एक मिनट, ये वेजिटा थोड़ा कमजोर निकला, इसका हाथ भी निकल गया। बढ़िया फोटोज आ रहे हैं, बस कभी कभी एज डिटेक्शन यार मेरे टाइम के क्यों थोड़ा सा अजीब हो जाता है सब कैमराज का, पता नहीं। पोर्ट्रेट में भी निकालते हैं वेजिटा का फोटो, देन भाई अल्ट्रा वाइड से भी अच्छे खासे फोटोज आ रहे हैं इसमें। नाइट मोड भी मुझे टेस्ट आउट करके देखना है भाई, पूरा अंधेरा क्या है एक्चुअली यहाँ पे, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। ऐसे फोटो तो बढ़िया है नाइट मोड में, एक्चुअली अच्छा है, बट जो ग्रीन वाला वगैरह आ रहा है वो कैमरा की या फोन की गलती नहीं, वो कैसा है मेरे रूम में टेबल के यहाँ लाइट से थोड़ी बहुत, और उसका उसने ले लिया भाई, खतरनाक चीज है ये भाई। इससे एक सेल्फी भी हो जाए एक्चुअली अच्छा रहे यार, सेल्फीज काफी ज्यादा ही अच्छा रहे, आने ही चाहिए। पोर्ट्रेट सेल्फी कैसे आती देखते हैं, काफी अच्छा काम कर रहा है यार पोर्ट्रेट भी सेल्फी कैमरा। कैसा, अभी हम लोग बाहर आ गए, आज मौसम भी सही है और 12 बजे दोपहर के, स्टिल एकदम रीडेबल है स्क्रीन, एकदम साइज से दिख रहा है मुझे, कोई टेंशन ना आ रही है, तो ब्राइटनेस काफी अच्छी है ये वाली स्क्रीन के। थोड़े से यार अभी पेड़ पौधों के भी फोटो निकाल दिए जाए, हरे भरे एकदम, कलर्स काफी अच्छे है इसके, इवन एज डिटेक्शन बढ़िया है। आप एक ही फूल मुझे मिला है, इसका फोटो अभी निकाल लिया जाए भाई, ज्यादा हिल मत भाई, भाई रुक, सही आ रहा है यार पोर्ट्रेट में, खतरनाक शॉट आया इसका। इसमें ना 2x का जूम भी पॉसिबल है, इवन 5x तक जा सकता है, यहाँ पे कंपास लिखा है, देखते हैं ये फोटो के बाद दिखता है अपने को। ओके सही से याद है, यूजेबल फोटो ये, 2x में भी निकाला फोटो, डिटेलिंग थोड़ी सी कम हो गई है बट काफी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा आसमान का भी निकाल लिया जाता है, आज थोड़ा नीला नीला आसमान है, मस्त बात है भाई, ये काफी अच्छा इफेक्ट है इसके अंदर भाई सन को लेके। एंड जो कलर्स भी है ना वो काफी हद तक नेचुरली लग रहे हैं, लाइक मैं देख रहा हूँ ना खुद से कैसा दिख रहा है, मिरर सेल्फी हो जाए एक, अपने पास मिरर ही मिरर है ये घर में। अभी हम लोग मैक्रो टेस्ट आउट करते हैं इसका भाई, एकदम खतरनाक आने वाला भाई, क्या फोटो आया देखो यार, क्या बढ़िया दिख रहा है। ये फूल का फोटो निकाल के देखते हैं, काफी बढ़िया है। तो अभी हम लोग ना ये नूबड़े का पोर्ट्रेट शॉट देखते हैं। ओ भाई क्या बढ़िया फोटो है यार, इसका एज डिटेक्शन देखता हूँ मैं, काफी खतरनाक वाला एज डिटेक्शन है। बाल वगैरह भाई डैंड्रफ मत देखो यार, प्लीज डैंड्रफ मत देखो कोई मेरा। गाइस बैक कैमरा में आपको 4K तक 60fps तक देखने मिलेगा। अभी हम लोग गाइस देखने वाले कि इसका OIS कैसे काम करता है, थोड़ा मैं चल के वीडियो निकालता हूँ एंड देन मैं डालता हूँ एंड थोड़ा सा भाग लेते, चलो भागो 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 भागो, व्लॉगर बन जाते हैं हम लोग अभी, खतरनाक व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और सब फ्रंट कैमरा से ना अपने पास सिर्फ 1080p का ऑप्शन आता है, वो भी 30fps के साथ ही, हम लोग उसमें अभी रिकॉर्डिंग करते, इसका देखते EIS होगा इसमें। हम लोग चल रहे हैं नॉर्मली एंड अब थोड़ा सा भागेंगे, चलेंगे वापस से, थोड़ा फ्रंट कैमरे से ना एक्सपोजर गंदा आ रहा है, ये पूरी वॉल वाइट है। इसमें गाइस एक ऑप्शन आ रहा है ड्यूअल व्यू वीडियो का, हम लोग उसको ट्राई आउट कर रहे हैं, इसमें अलग अलग लेआउट्स भी है। हो भाई देखो खतरनाक है भाई, काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे, अगर लोगों को दोनों भी कैमरा से एक साथ रिकॉर्ड करना है, व्लॉगिंग कर रहे हो तब ये थोड़ा सा काम का हो सकता है। भाई देखते कैसे आई ये स्लो मोशन वीडियो एक, भाई क्या खतरनाक दिख रहा है, ये ड्रॉप्स दिख रहे हैं देखो पानी के, गाइस अभी मेहनत चल रही है स्लो मोशन के लिए और एक शॉट मस्त। गाइस थोड़े हम लोग स्लो मोशन के शॉट लेते लेते थोड़ा गीला हो गया, मैं पानी के शॉट ले लेते, वैसे भी तू नहाता कब है? ओ भाई नहा गया हूं मैं। और गाइस थोड़ा सा ना ये फोन अभी गर्म हो गया, लाइक थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है मुझे इतने फोटोज निकालने के बाद, वीडियोस निकालने के बाद, इवन बैटरी भी आई गेस 10% से कम हो गई है, आधा घंटा लगा हम लोग को कुछ शॉट्स लेने में पूरे के पूरे। इसमें ना गाइस एक ट्राइपॉड मोड है डायरेक्टली दिया है इन लोगों ने, स्टेडी रखना पड़ता है डिवाइस उसके लिए, तो वो हम लोग टेस्ट करते अभी रात के समय में। 30 सेकंड लगा रहा है गाइस ये, पिच ब्लैक से इसमें भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया भाई, ये देखो स्टार्स देखो, बस स्टार्स तक दिख रहे इसमें।
इसमें जो गाइस कनेक्टिविटी के ऑप्शन है उसमें वाईफाई 6 भी आता है एंड ब्लूटूथ 5.2 विथ NFC भी आता है। इसमें एक ही चीज़ मुझे हमेशा कम लग रही है अब भी देखते देखते कि भाई इसमें कोई ऑफिशियली वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग नहीं है, लाइक जो डस्ट या स्प्लैश प्रूफ ऐसा कुछ बताया नहीं इन्होंने। और गाइस ये वाला जो हमारे पास है ना वो है हैकर डार्क वाला वेरियंट या हैकर डार्क वाला कलर है इसमें। एक्चुअली ये वेरियंट ही बोलूँगा क्योंकि इसमें ये जो पीछे का ना वो पूरा मैट फिनिश आता है भाई, काफ़ी बढ़िया है। एंड इसमें अगर थोड़े से स्क्रैच वगैरह भी पड़ गए ऐसे तो कोई इशू नहीं है, ऐसे हट जाते लाइक दिखते नहीं है, हट ही जाते पूरे। अभी हम लोग करते हैं इसके अंदर गेमिंग। गाइस गेम तो मैं खेल नहीं जा रहा था, उसके पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस की। ये वाले वन प्लस के गेमिंग वाले सेक्शन में इसमें प्रो गेमिंग का मोड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। एक्चुअली हम लोग प्रो गेमर है तो प्रो गेमिंग ऑन करेंगे। तो और एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे कि भाई वॉइस मॉड्यूलेटर है यहाँ पे पहले से ही, लाइक आपको चाहिए वो वाला वॉइस आप लगा सकते हो। एक मिनट भाई, कहाँ गया ये वॉइस मॉड्यूलेटर? आपको अगर ये वॉरियर बनना है तो आप वॉरियर भी बन सकते हो। हेलो वॉरियर हूँ मैं, मेरे से पंगा मत लो। हेलो वॉरियर हूँ मैं, मेरे से पंगा मत लो। ओ भाई मैं हूँ एक रोबोट, मैं हूँ नुबला। ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक है यार। और ऑब्वियसली मॉनिटर करना आपको डेटा, तो आप डेटा मॉनिटर कर सकते हो, FPS वगैरह आपको दिख जाएगा, GPU कंजम्पशन दिख जाएगा, वो भी अच्छी बात है। गाइस ग्राफिक्स की बात करो तो इसमें HDR में तक है एक्सट्रीम का ऑप्शन, जो कि सबसे खतरनाक बात है। ये बात मुझे काफ़ी पसंद आ गई भाई, HDR में भी एक्सट्रीम, हम लोग सीधा इस पर खेलेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। गाइस यहाँ पे मैंने वॉइस मॉड्यूलेटर में देखा कि भाई इन गेम कम्युनिकेशन नॉट सपोर्टेड, डिस्कॉर्ड नॉट सपोर्टेड, तो भाई मुझे लगा था भाई छोड़ो अब, चलो भाई हम लोग चलते इधर मिलिट्री बेस से उतरेंगे। टीममेट्स ने गलती कर दी मुझे फॉलो करके, भाई मैं खेलता ही नहीं ये गेम इतना। इसके ऊपर कोई तो दिख रहा है मुझे भाई, मैंने अब भी नोटिस किया भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। गाइज फोन काफ़ी अच्छा है, FPS काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं तो नूब हूँ तो इशू मेरे में है। एक्चुअली 50 के ऊपर FPS आ रहा है HDR में खेल रहे हैं हम लोग भाई, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ लगी। ऑब्वियसली फ़ोन थोड़ा सा हीट हो गया है ये वाले सेटिंग में, ग्राफिक इंटेंस ही है इसलिए। इसका अगर आपको गेमिंग रिव्यू भी चाहिए तो भी बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक देना इस वीडियो को उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं वन प्लस के ऊपर। कैसे आपको कैसे लगा ये वाला वीडियो नीचे कमेंट में बता दीजिए आपके सजेशंस, और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।